मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि YouTube पर कैसा कंटेंट डालना चाहिए जिससे वीडियोस पर एड्स चलें और पैसे कमाए जा सकें। आखिर एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट क्या है और इसके बारे में YouTube की लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या हैं? कुछ महीने पहले YouTube पर कई कंपनीज ने नोटिस किया कि उनकी एड्स या उनके विज्ञापन ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पर चल रहे थे, ऐसा कंटेंट जो ब्रांड फ्रेंडली नहीं था। इसलिए एडवर्टाइजर्स ने अपनी एड्स YouTube पर कुछ समय के लिए बंद कर दी। इस इवेंट को इंटरनेट पर कुछ लोग कह रहे हैं एडपोकलिप्स। अब इस डेवलपमेंट के बाद YouTube ने रिएक्ट किया, कई चैनल्स बंद कर दिए गए और कई लाखों वीडियोस पर एड्स आनी बंद हो गईं, वीडियोस डीमोनेटाइज कर दिए गए और YouTube ने अनाउंस किया कि वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट पर ही एड्स दिखाएगा। पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं था कि आखिर एड फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है, तो हाल ही में YouTube ने इसका खुलासा किया है और इसे एक्सप्लेन किया है। इसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। ये है YouTube की एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस। अब सबसे जरूरी बात आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि कौन से वीडियो और कौन से पेजेस पर एड्स दिखाई जाएंगी, ये सिर्फ YouTube ही डिसाइड करता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि कौन से ऐसे वीडियोस हैं या कौन सा ऐसा कंटेंट है जो एडवर्टाइजिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला है कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज और सेंसिटिव इवेंट्स। अब अगर वॉर या जंग हुई, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट हुआ, पॉलिटिकल नेचर का कंटेंट हुआ, ट्रेजेडीज या सेक्सुअल अब्यूज हुआ वीडियो में, तो उस कंटेंट पर एड्स नहीं दिखाई जाएंगी। अगर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में भी वीडियो है तो भी उस पर हो सकता है कि एड्स ना चलें। दूसरा, ड्रग्स और खतरनाक प्रोडक्ट्स के वीडियोस पर भी एड्स हो सकता है ना चलें। तीसरा, ऐसे एक्ट्स जिनसे किसी को नुकसान या चोट पहुंचे, चाहे वो मेडिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो या फिर किसी को ह्यूमिलिएट करना। नंबर चार, हेटफुल कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो किसी के खिलाफ नफरत फैलाए या फिर बुरी बातें किसी जाति या धर्म या समुदाय के बारे में, ऐसे कंटेंट पर एड्स अब नहीं चलेंगी। नंबर पाँच, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, वीडियोस जिनमें वल्गर लैंग्वेज या बुरी भाषा इस्तेमाल की गई है। एक आध शब्द अगर कॉमेडी के वीडियोस में बुरे भले आए तो हो सकता है कि उस वीडियो पर कोई असर ना हो। नंबर छः, फैमिली एंटरटेनमेंट के कैरेक्टर्स जिनको अक्सर पूरा परिवार देखता है, जैसे कि बच्चे भी जानते हैं, उन कैरेक्टर्स को गलत तौर से इस्तेमाल करने पर हो सकता है कि एड्स बंद हो जाएं। नंबर सात, इंसेंडियरी एंड डिमीनिंग, यानी कि व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ उन्हें बुरी बातें कहते हुए अगर कोई वीडियो हुआ तो वो भी डीमोनेटाइज हो सकता है या एड्स उस पर नहीं चलेंगी। नंबर आठ, सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट, कोई भी ऐसे वीडियोस अगर लोग यूट्यूब पर डालते हैं तो वो एडवर्टाइजिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नंबर नौ, वायलेंस या हिंसा, अगर वायलेंस से भरा वीडियो हुआ तो हो सकता है उस पर एड्स ना चलें। यहाँ एक एक्सेप्शन है और वो है गेमिंग का कंटेंट। वीडियो गेम खेलते हुए अगर उसमें कोई वायलेंस आती है बीच में तो हो सकता है कि वो एडवर्टाइजिंग के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब ये तो जनरल गाइडलाइंस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोस पर गलती से एड्स बंद हो गई हैं, कि आपके कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक मैनुअल रिव्यू भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है मैनुअल रिव्यू फॉर वीडियोस मार्क्ड नॉट एडवर्टाइजर फ्रेंडली। अब इसका क्या मतलब? देखिए, अगर आपके वीडियो के आगे ऐसा येल्लो निशान आता है, डॉलर का निशान, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए, ये है डॉलर का निशान। अगर आपके वीडियो के आगे ऐसा येलो कलर का डॉलर का निशान आता है या आपको इसके बारे में ईमेल आती है यूट्यूब से, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूट्यूब से कि वो आपके वीडियो को दोबारा से रिव्यू करें। अगर आप यूट्यूब के वीडियो मैनेजर में जाते हैं तो ये है यूट्यूब का वीडियो मैनेजर। अगर आप यहाँ पर देखते हैं एक येलो कलर के डॉलर का निशान, तो आप इस पर क्लिक करके और स्क्रीन पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके एक मैनुअल रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ,
ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कुछ समय लग सकता है और YouTube खुद डिसाइड करेगा कि कब वो वीडियो मोनेटाइज्ड हो। अगर वो मोनेटाइज्ड होना है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप YouTube की टर्म्स ऑफ सर्विस और कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर YouTube तभी सर्वाइव करेगा जब हम जैसे क्रिएटर्स इस पर पैसे बनाएंगे और एडवर्टाइजर्स यहाँ पर सेफली एडवर्टाइज कर पाएंगे। इसलिए अगर YouTube से लगातार पैसे कमाने हैं तो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट ही बनाइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो के नोटिफिकेशंस लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।